बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है फ्रेंड्स? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़िलासफ़ी पढ़ ली है सारी, और हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में 4 लेक्चर पढ़ लिए। तो हमने आज कल स्कूल ऑफ थाट्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो स्कूल ऑफ थाट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद फंक्शनलिज्म पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थाट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थाट शुरू करने से पहले हमें ये जो नाम है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थाट का, गेस्टाल्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या है। तो गेस्टाल्ट जो है बेसिकली ये एक जर्मन वर्ड है। तो जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट का मतलब ये है कि एज अ होल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि चीज़ों को ये कम्प्लीटली के लिहाज से लेते हैं, यानी कि चीज़ों को एज अ होल चीज़ों को लेते हैं। तो गेस्टाल्ट का मतलब ये बना कि अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एज अ होल, अंडरस्टैंडिंग द फनेमना एज अ होल, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एज अ होल। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का मतलब ये है कि चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले चीज़ों को कम्प्लीटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे देखने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि ये स्कूल ऑफ थाट स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के रिएक्शन के तौर पे सामने आया, और जो बिहेवियरिज्म है इससे बिल्कुल ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट है। तो पहले जो दो स्कूल ऑफ थाट थे, पहला स्ट्रक्चरलिज्म और दूसरा फंक्शनलिज्म, तो उन्होंने माइंड पे बात की थी, और ये स्कूल ऑफ थाट जो है ये भी माइंड पे बात करता है। और इस स्कूल ऑफ थाट का जो बानी है वो है मैक्स वर्थीमर। तो ये मैक्स वर्थीमर जो है ये 1900 में इसने ये स्कूल ऑफ थाट दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म के रिएक्शन के तौर पे ये स्कूल ऑफ थाट उभर कर आया। तो एज अ होल जो चीज़ या जिस बात पे ये एज अ होल जो बात है इस पे ये बात करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस गेस्टाल्ट स्कूल को सादा मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ों को किस तरह एज अ होल लेते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है, किसी चीज़ पर आपकी नज़र पड़ती है, या कोई फनेमना आपके सामने हो रहा होता है, कोई वकूवा आपके सामने हो रहा होता है, कोई वाक़या हो रहा होता है, तो उसको जब आप देखते हैं तो आपके माइंड में क्या चीज़ उभर कर आती है, तो उसी चीज़ के बारे में ये स्ट्रक्चरलिज्म से लेके फंक्शनलिज्म तक, और फंक्शनलिज्म से अब हम गेस्टाल्ट पे आ गए हैं। ये सारी चीज़ लोग जो हैं, सारे स्कूल ऑफ थाट इस चीज़ पे ही बात करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में वो चीज़ों को कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम करके, डिवाइड करके समझने की कोशिश करते थे, और उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते थे। फंक्शनलिज्म में वो कहते थे कि चीज़ों को थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंदर तकसीम करके उसके स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइंड जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है फिज़िकल चीज़ के जिसको आप कंपोनेंट में तकसीम कर सकें। तो माइंड जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके आप फंक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। तो फंक्शनलिज्म ने इस पे बात की कि हम चीज़ों के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थाट जो है ये भी माइंड के हवाले से ही बात करता है, लेकिन इसका बात करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है पहले दो स्कूलों की निस्बत। ये कहता है कि जब भी फनेमना आपके सामने आता है तो वह आप उसको एज आ होल देखें। मैं मिसाल आपको यहाँ पे समझाने के लिए ये देना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे गाड़ी पे आपकी नज़र पड़ती है, कार पे आपकी नज़र पड़ती है,
तो कार को आप एज अ होल सबसे पहले जेनुअली आप एज अ होल परसीव करते हैं कि आपकी जो ही नज़र गाड़ी पर पड़ी तो आपके जहन में गाड़ी की एक मुकम्मल पिक्चर बनकर सामने आ गई, आपने कहा कि हाँ जी ये एक गाड़ी है, ठीक है। बजाय इससे कि आप सबसे पहले आप इसको इसको कहते कि इसकी ये जो इसके ये डोर्स हैं, इसकी विंडोज़ गेट बने हुए हैं, इसकी हेडलाइट्स बनी हुई हैं, बैक लाइट्स बनी हुई हैं, इसके व्हील हैं, इसका इंजन है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले जब आपकी गाड़ी पर नज़र पड़ी तो आपके जहन में जो जेनुअली पिक्चर बनी थी कि ये एक गाड़ी है, वो उसी जो मुकम्मल एक कंप्लीट पिक्चर थी उसी को ही लेके ये गेस्टाल्ट वाले चलते हैं। इसके बाद आगे ये बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर उस गाड़ी का एक हिस्सा आपको नज़र आया, मिसाल के तौर पे बैक लाइट आपको एक नज़र आ गई, या उसका एक पहिया आपको नज़र आ गया, उसका एक व्हील नज़र आ गया, या गाड़ी का कोई एक हिस्सा आपको नज़र आ गया है, तो फिर भी ये कहते हैं कि जब आपको गाड़ी का कोई एक हिस्सा नज़र आता है, उस एक हिस्से का नज़र आना और साथ ही क्या होता है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कि जब आप गाड़ी का एक हिस्सा देखते हैं तो आपके माइंड के अंदर गाड़ी की मुकम्मल पिक्चर ऑटोमेटिकली उभर कर सामने आ जाती है। जब आप गाड़ी की एक हेडलाइट देखते हैं या एक उसका व्हील देखते हैं तो आप जब उस व्हील को देखते हैं, उस हेडलाइट को देखते ही आपके जहन में गाड़ी की एक मुकम्मल पिक्चर उभर कर सामने आ जाती है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि चीज़ों को हम एज अ होल देखेंगे तो तब ही जाकर माइंड के अंदर उसकी जो मेन पिक्चर है वो सेट होगी, बजाय इसके कि हम चीज़ों को मज़ीद पचीदा करें, उनको सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के अंदर देखें, उनको उनका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करें, इससे पहले जो जेनुअन इसका तरीका है कि हम चीज़ों को एज आ होल समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है गेस्टाल्ट, ये चीज़ों को एज आ होल देखने की और समझने की और स्टडी करने की कोशिश करता है। तो इसके बाद ये है कि इसमें एक दूसरा बंदा है मैक्स वर्थीमर, जो इसका गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है इसका फादर था, आप इसको फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कह सकते हैं और इसको फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा बंदा था, उसका नाम था जी कुर्ट कुफका। तो इसने 1935 में एक ना थ्योरी दी, तो इसने जो थ्योरी दी थी वो इसने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है बिहेवियरल बिहेवियरल और एनवायरनमेंट के हवाले से इसने जो थ्योरी दी थी ना वो इसकी थ्योरी है। तो कुफ का जो है इसने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर ये कहता था कि जो बिहेवियर है उसको आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसको इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके जब आप स्टडी करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा और इस तरह जो आपकी स्टडी है वो ज़्यादा बेहतर होगी, या जो इन्फॉर्मेशन माइंड के अंदर आती हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज के साथ आप समझने की कोशिश कर सकते हैं जब आप चीज़ों को इन्वायरमेंट के साथ मिला के पढ़ते हैं। तो इसके बाद एक बंदा है वुल्फ गैंग कोहलर। कोहलर जो है इसने एक थ्योरी दी थी जो कि कहलाती है थ्योरी ऑफ इनसाइट। इसने ट्रांसपोजिशन के थ्रू जो इनसाइट तक पहुंचने की एक थ्योरी दी थी, उसमें इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था चम्पैजी पे। ये भी गेस्टाल्ट थ्योरी का मानने वाला है या गेस्टाल्ट थ्योरी को आगे लेकर जाने वाला है। तो इसने कोहलर ने क्या किया था कि थ्योरी ऑफ इनसाइट दी थी और ट्रांसपेंजिशन के थ्रू वो अपने काम को आगे लेकर गया था। उसने एक चम्पैजी को कैद किया और कुछ घंटे उसको भूखा रखने के बाद फिर क्या करता है कि उसके सामने ये बनानास रखता है, बनानास थोड़े से फासले पर रखता है और चम्पैजी चूँकि कैद होता है बंधा हुआ होता है तो चम्पैजी भूखा था, तो उसने फिर साथ इसने स्टिक्स भी रख दी।
तो बना जो चम्पैजी है मुख्तसर मैं यहाँ पे करता चलूँ कि वो उसको बनानास को हासिल करने की कोशिश करता है कि मैं इनको हासिल करूँ और खा लूँ, और फिर वो क्या तरीका निकालता है कि जो स्टिक्स साथ पड़ी होती हैं उनसे वो बनानास को अपने करीब करता है और फिर वो खा लेता है। इस तरह क्या है कि ये जो उसका माइंड था वो उसके यानी कि उसने जो सिचुएशन उसके सामने थी कि उसको भूख लगी हुई है, बनानास उसके सामने पड़े हैं तो अब वो खा नहीं सकता, तो उसने उस सिचुएशन को ट्रांसपोजिशन किया कि उसको प्लान बी की जो शक्ल थी वो उसको उसने दी। पहला प्लान ए था कि उसने बनानास को हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो रहा था। फिर प्लान बी जो ट्रांजिशंस उसमें उसने की थी वो प्लान बी ये था कि उसने वो स्टिक्स ली और स्टिक्स के ज़रिए उसने बनानास को हासिल किया और जो उसका उसके माइंड के अंदर जो फनेमना आ रहा था उसको उसने मुकम्मल करने की कोशिश की। तो गेस्टाल्ट जो थ्योरी है, अब हम इसके जो मेन फंक्शन है कि गेस्टाल्ट थ्योरी जो है ये किस तरह काम करती है, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गेस्टाल्ट का जो स्ट्रक्चर है इसमें इसको समझने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, फाई फेनेमना, PHI, फेनेमना। तो फाई फेनेमना का मतलब ये है कि वो यहाँ पे एक मिसाल देता है कि जो शादी ब्याह के मौका पे जो आप वेलकम की लाइट्स लगाते हैं, मैं इसकी यहाँ पे मिसाल कोड करना चाह रहा हूँ कि जो वेलकम की लाइट्स लगी होती हैं तो वो लाइट्स जो हैं वो असल में मजमूआ होती हैं ढेर सारी छोटी छोटी लाइट्स का, और जब वो लाइट्स चलती हैं तो वो बहुत ही प्यारा मंज़र जो है वो पेश करती हैं। तो जो वेलकम लाइट्स शादी ब्याह के मौका पे लगी होती है, अगर उस के जो होल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो वो कितना खूबसूरत लग रहा होता है। लाइट्स जो हैं कुछ बुझ रही होती हैं और कुछ जल रही होती हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र बन जाता है ऑन द होल। ऑन द होल वो माइंड को बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसका कॉन्सेप्ट बड़ा वाजे होता है माइंड के सामने। तो गेस्टाल्ट वाले कहते हैं कि ये जो ऑन द होल जो स्ट्रक्चर है वेलकम लाइट्स वाला, ये ही मेन चीज़ है, बजाय इसके कि हम इसको पार्ट्स के अंदर जाके देखने की कोशिश करें कि एक एक लाइट है वो एक जलती है, दूसरी वो बुझ जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। तो अगर हम कंपोनेंट्स में इसमें देखें, कंपोनेंट्स में करके इसको देखने की कोशिश करें तो ये कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि हम करेंगे कि इसको एज अ होल देखेंगे, क्योंकि ये पिक्चर जो है ये एज अ होल सबसे बेस्ट माइंड में स्वीट होती है या माइंड को भली लगती है एज अ होल जब हम इसको स्टडी करेंगे। तो जब उस पे हमारी वेलकम जो स्क्रीन लगी होती है लाइट्स वाली उस पे नज़र पड़ती है तो हमें एज अ होल वो वेलकम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है और फ्लैश करता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो सबसे पहली जो पिक्चर है कि वो हमें वेलकम फ्लैश करता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये गेस्टाल्ट वाले कहते हैं कि ऑन द होल जो वो नज़र आ रहा है वो ही सब कुछ है, बजाय इसके कि हम उसको मज़ीद कंपोनेंट्स के अंदर जाके देखने की कोशिश करें। तो आगे फिर हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये वर्क किस तरह करती है। इसमें सात चीज़ें हैं, बारी बारी हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार सात जो चीज़ें हैं उनके मैं नाम आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सबसे पहली चीज़ जो है, इनके जो कवानीन हैं उनमें लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। दूसरी जो है वो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तीसरी जो चीज़ है वो है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूटी। चौथी जो चीज़ है वो है लॉ ऑफ क्लूयर। पांचवी जो चीज़ है वो है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। छठी जो चीज़ है वो है ज़िगरनिक इफ़ेक्ट। सातवीं जो चीज़ है वो है ग्रुप डायनामिक्स। तो अब हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो एक जैसी चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं वो हमें सिमिलर लगती हैं। मिसाल के तौर पे अगर शेप्स को आप लेते हैं, सर्कल वाली जो शेप्स हैं
चार या पांच शेप्स वो एक जगह पे इकट्ठी ड्रा हुई हुई हैं, और सात जो है वो ट्राइंगल वाली पांच छह शेप्स इकट्ठी ड्रा हुई हुई हैं। तो क्या है कि सर्कल वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक जैसी और अलग लगेंगी, अलग पड़ी हुई लगेंगी, और जो ट्राइंगल वाली शेप्स हैं वो भी हमें एक जैसी और अलग लगेंगी। तो ये है सबसे पहला इनका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसको हम कहते हैं कि हम मतलब ये है कि हम एक जैसी चीज़ों को अलग अलग करके ग्रुप्स के अंदर जब तकसीम कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो उसके बाद है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसमें ये है कि एक जैसी चीज़ें जब किसी जगह पे हमें वो ऐसे करता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके वहाँ पे रख देता है। मिसाल के तौर पे जो पहली मैंने मिसाल दी शेप्स की, तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अंदर ये होगा कि इसमें ट्रायंगल की शेप्स हैं, इसमें रेक्टेंगल की शेप्स हैं, और इसमें जनाब सर्कल की शेप्स हैं, एंड सो ऑन, और भी शेप्स इसके अंदर आ सकती हैं। तो सारी शेप्स जो हैं वो सारी इकट्ठी रखी हुई हैं। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होगा कि ट्राइंगल की जितनी भी शेप्स हैं उनको आप अलग कर सकते हैं, या उनको आप एक रंग भर सकते हैं। इसी तरह सर्कल की जितनी शेप्स हैं उनको आप डिफरेंट कलर, जो ट्राइंगल से डिफरेंट कलर, वो सारियों को सारों को एक ही कलर आप भर सकते हैं। और इसी तरह जो रेक्टेंगल की जो शेप्स हैं उनको आप, मतलब कि जब चीज़ें इकट्ठी पड़ी होती हैं तो उनमें से चीज़ों को आप किस अंदाज़ के साथ अलग अलग करते हैं। तो ये है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर चीज़ें जो हैं उनको आप अलग अलग कर लेते हैं। तो इसके बाद अगला जो है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूटी। तो लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूटी में ये है कि मिसाल के तौर पे अगर पिक्चर्स वाली ये जो वीडियो है, अगर आप इसकी मिसाल ले लें कि वीडियो असल में कॉम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ पिक्चर्स का। जब मुख्तलिफ पिक्चर्स जो मिल के एक साथ चलाई जाती हैं तो वो वीडियो की शेप इख्तियार कर लेती हैं। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी यही है कि जब चीज़ों को हम एक फ्लो में देखते हैं या एक रवानगी के साथ देखते हैं तो वो हमें बहुत ही खूबसूरत और उनका एक हमें होल पिक्चर नज़र आने लग जाती है। तो ये है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अगर वो वेलकम बोर्ड वाली जो फ्लैशिंग लाइट वाला वेलकम बोर्ड था शादी के मौका पर, उसकी मिसाल लें तो लाइट एक सीक्वेंस के साथ जब चलती हैं उनमें एक कंटिन्यूटी होती है। तो फिर क्या होता है कि वो हमें एक होल पिक्चर नज़र आती है वेलकम की, कि जो कि फ्लैश कर रही होती है। तो ये है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसके बाद अगली बात ये है कि लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? लॉ ऑफ क्लोजर ये है कि किसी भी शेप के अंदर जो मिसिंग पार्ट है उसको हम जो ऑटोमेटिकली फिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सर्कल जो है वो ऐसे एक ड्रा हुआ होता है लेकिन उसके अंदर गैप्स होते हैं, वो मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वो शेप उसकी सर्कल की होती है। सॉरी, जब हम उस सर्कल को देखते हैं हालांकि वो मुकम्मल ड्रा भी नहीं है, उसके अंदर गैप्स हैं, तो जो ही हमारी नज़र उस सर्कल पे गैप्स वाले सर्कल पर पड़ती है तो क्या है कि हम देखते ही ये कहते हैं कि ये सर्कल है। इसी तरह अगर वहाँ पे ट्राइंगल ड्रा हुआ हुआ है लेकिन ट्राइंगल के अंदर गैप्स हैं, वो मुकम्मल ड्रा नहीं हुआ लेकिन उसकी शक्ल ट्राइंगल की है, तो हम जो ही ट्राइंगल को देखते हैं तो देखते ही हमारे जहन में ये तस्वीर आ जाती है कि ये ट्राइंगल है। तो ये होता है लॉ ऑफ क्लोजर। तो इसके बाद पांचवें नंबर पे है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। तो लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड का मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या किसी फ़ोटो को देखते हैं तो उसमें हमें एक तो वो फ़ोटो नज़र आता है और एक उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो नज़र आता है। तो कुछ लोग जो हैं वो जब उस पर देखते हैं तो वो उनकी नज़र फ़ोटो पे पड़ती है। कुछ जो लोग हैं वो जब देखते हैं तो वो फ़ोटो को नहीं देखते, वो फ़ोटो के अंदर जो बैकग्राउंड है उसको देखते हैं। कि मतलब इसमें ये है कि ऑन द होल जब हम देखते हैं तो बैकग्राउंड को तो हमें और पिक्चर नज़र आ रही होती है, ऑन द होल जब हम फ़ोटो को देखते हैं तो हमें और पिक्चर नज़र आ रही होती है, ऑन द होल जब हम पूरे फ़ोटो को देखते हैं तो हमें और पिक्चर नज़र आ रही होती है। तो ये है इसका लॉ ऑफ पिक्चर, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। तो इसके बाद जो अगला लॉ है इनका
वो है जी ज़िगरनिक इफ़ेक्ट। तो ज़िगरनिक इफ़ेक्ट ये होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के अंदर अगर कोई कमी रह गई है, अगर कोई काम हम कंप्लीट नहीं कर सके, अनफिनिश्ड कोई भी हमारा टास्क जो है वो हमारे माइंड के अंदर बार बार उभर कर सामने आता रहता है। मिसाल के तौर पे कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं तो आप उस काम को मुकम्मल तौर पे नहीं कर पा रहे होते, या उसको आप मुकम्मल नहीं कर सकते, तो वो काम जब तक मुकम्मल नहीं होगा आपके माइंड में बार बार आता रहेगा। तो ये होता है ज़िगरनिक इफ़ेक्ट। तो इसके बाद आखिरी जो चीज़ है 7वें नंबर पे, वो है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब ये है कि जब लोग मिल के कोई काम करते हैं, ग्रुप्स के अंदर जब काम करते हैं, तो क्या होता है कि जो काम की जो कारकर्दगी होती है या उसकी जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे जो हैं वो ग्रुप के अंदर बैठ के स्टडी करें तो क्या है कि वो आपस में मशवरे से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है ग्रुप डायनामिक्स। तो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी थी उसमें हमने शुरू में ये पढ़ा कि इसमें चीज़ों को एज अ होल परसीव किया जाता है, एक चीज़। तो दूसरी बात यह कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो थी वो मैक्स वर्थीमर ने दी थी, और इसने ये 1900 में दी थी, और ये रिएक्शन था टू दी नैरोनेस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म भी माइंड पे बात करती है, फंक्शनलिज्म भी माइंड पे बात करती है, और गेस्टाल्ट भी माइंड पे बात करती है, लेकिन ये माइंड के हवाले से चीज़ों को एज अ होल लेती है। तो शादी में जो वेलकम स्क्रीन थी उसको जब हम एज अ होल देखते हैं तो उसकी जो पिक्चर है वो बड़ी मीनिंगफुल हमें नज़र आती है। तो ये ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। तो जब हम किसी कार को देखते हैं तो एज अ होल जब हम कार को देखते हैं तो जो कार की मुकम्मल पिक्चर हमारे जहन में आती है, तो ये है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की मिसाल। अगर कार का कोई हमें हम एक हिस्सा भी देखते हैं फिर भी क्या है कि उसका व्हील देखने से हमें पूरी कार जो है उसकी पिक्चर हमारे जहन के अंदर आ जाती है। तो ये जो मैक्स वर्थीमर था, इसके साथ और भी लोग थे, एक है कुर्त कुफ का, इसने बिहेवियर और इन्वायरमेंटल के हवाले से स्टडी किया, और उसके बाद एक है वुल्फ गैंग कोहलर, तो इसने थ्योरी ऑफ इनसाइट दी थी, वो जो चंपेजी वाली थ्योरी थी उसको हमने पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि गेस्टाल्ट जो है ये कैसे वर्क करती है। इसने लॉज दिए थे 7 किस्म के, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लूयर, लॉ ऑफ पिक्चर एंड ग्राउंड, ज़िगरनिक इफेक्ट, और लॉ ऑफ ग्रुप डायनामिक। तो ये दोस्तों ये थी गेस्टाल्ट थ्योरी जो कि मैक्स वर्थीमर ने 1900 में दी थी। तो ये हमारा स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से 3रा स्कूल ऑफ थॉट था। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला मूव कर रहे हैं 4थे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।